इसलिए खुदावंद ने वो आत्मा जो दुनिया की सारी भाषा और वो ज्ञान जानता है आपको दे दिया। बोले क्या कर दिए, ध्यान से सुनो मेरी बात, वो आत्मा जो दुनिया की सारी भाषा और ज्ञान वो जानता आपको दे दिया। इसलिए पेंतेकुस्त के दिन बोले क्या, आप देखते हो जब चेलों पर पहली बार पवित्र आत्मा उतरा, बोलो क्या है, चेलों पर पहली बार पवित्र आत्मा उतरा और जब वो उस आत्मा से भरकर लिखा अन्य अन्य भाषा, अन्य अन्य भाषा का मतलब है अन्य अन्य दुनिया की जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, उसमें चेले क्या करने लगे, प्रार्थना करने लगे, उस आत्मा से क्या करने लगे। तो वहां पे उस त्योहार में बहुत सारे जो लोग थे, अलग अलग देशों के लोग, वो परमेश्वर के कामों की चर्चा उनके मुंह से सुन रहे थे। कोई कह रहे थे कि ये तो हमारे देश की भाषा बोल रहा है, दूसरा कह रहे नहीं ये तो हमारी बोल रहा है, तीसरा कह रहा है हमारी है, फिर एक बंद कोई कह रहा है ये तो सब गलीली, इन्हें हमारी भाषा कहाँ आ गई। जैसे मान लो आप पंजाबी हो तो आप किसी दूसरे देश की भाषा बोलो, बोलो क्या बोलो, आप दूसरे देश की भाषा बोलो तो अजीब सा होगा कि नहीं, अजीब फीलिंग आएगी ना, इसे कैसे आ, बोलो क्या, इसे हमारे देश की भाषा, भाषा कैसे से आ। तो वहां पे लोग, कुछ लोग तो हैरान हो रहे थे, ये तो गलीली है, बोलो हमारे देश की भाषा इन्हें कैसे इन्होंने सीख ली। पर वो उनके मुख से परमेश्वर के कामों की चर्चा सुन रहे थे। बोलो क्या सुन रहे थे, सुनो, क्योंकि वो तो सिर्फ क्या कर रहे थे, वो बोल रहे थे। जैसे मान लो मैं बोलता हूं, लिखो ना साखांदा नहीं जो मार रखो दाला बेबे बिनियांदा रहो सिकादा, क्योंकि लिखा जी जो भाषा है बिना अर्थ बिना शब्द नहीं है, इसका अर्थ है, हर एक शब्द का एक अर्थ है। मैं जो मैं बोल रहा हूं ये कौन से देश की भाषा है, कौन से देश में ये भाषा बोली जाती है, जब वहां के लोग सुनेंगे तो उन्हें पता लगेगा। तो ऐसे चले क्या कर रहे थे, वो बोल रहे थे, तो लोग परमेश्वर के कामों की उस, जब वो ऐसे बोल रहे थे तो वो ऐसे परमेश्वर की बढ़ाई परमेश्वर के कामों की चर्चा सुन रहे थे। समझ आ रही मेरी बात, इसीलिए कहा परमेश्वर का आत्मा भेद की बातें, वो गूढ़ बातें, बोलो क्या है, वो परमेश्वर से करता है। इसलिए आप इसका फर्स्ट कुरिन्थियों 14 की 2 पढ़ोगे ना तो प्रेरित पौल कहता है जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं, वो किससे बातें करता है, क्योंकि आत्मा भेद की बातें किससे करता है, और उसे कोई नहीं जानता। बोलो क्या है, उसे कोई नहीं जानता, कितनों को समझ आ रही, बोलो क्या है, उसे कोई मनुष्य नहीं जानता। अगर आप रोमियो 8 की 26 पढ़ोगे तो वहां पे लिखा आत्मा हमारी दुर्बलताई में हमारी सहायता करता है, हमें नहीं पता प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। बोलो क्या है, कई बार मान लो एक बंदा, उसे कम समझ है, उसे कम इस ज्ञान की नॉलेज है, उसे जहां वो अनपढ़ व्यक्ति है, उसे बाइबल नहीं आती। बोलो क्या है, एक बंदा पढ़ा लिखा है, उसे बाइबल का ज्ञान है, वो पढ़ना जानता है कौन सा वचन कहां पे लिखा, वो तो अपनी बुद्धि की प्रार्थना में क्या करेगा, अलग अलग वचनों से परमेश्वर की महिमा करेगा। वो बोलेगा खुदावंद तेरे वचन में ये लिखा, तेरे वचन में ऐसा लिखा। पर ये आत्मा, ये एक सहायक है, मददगार है। यीशु मसीह ने कहा मैं, अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आंखियों को मानोगे, तो मैं पिता से विनती करूंगा कि एक सहायक एक मददगार वो परमेश्वर मेरे नाम से तुम्हें दे देगा। क्या दे देगा वो तुम्हें, आत्मा जो मददगार है, जो तुम्हारी लिखा मदद करता है। लिखा हमें नहीं पता प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। कई बार आप बुद्धि की प्रार्थना में बैठो तो आप 15 मिनट आधा घंटा करोगे तो फिर आपके पास और शब्द नहीं होंगे क्या बोलना है, फिर शब्द खत्म हो जाएंगे।
पर अगर आप आत्मा में प्रार्थना करोगे, क्योंकि आत्मा लिखा दुनिया की सारी भाषा और सारा ज्ञान जानता है, कितनों को समझ आ रही है। और आपको ये प्रोफेटिक परमेश्वर ने पिछले संडे दे दिया, पता है कि नहीं पता, कि अन्य भाषा में क्या करते रहना है, प्रार्थना करते रहना है। आप परमेश्वर के बड़े कामों को अपने जीवन में पूरे होते हुए देखोगे, क्योंकि लिखा शरीर निर्बल है आत्मा में नहीं, शरीर निर्बल है आत्मा नहीं। अगर आपका शरीर काम नहीं करता, आप बुद्धि की प्रार्थना नहीं कर पाओगे। कई बार जब मुसीबत हालात कुछ ऐसी चीजें होती हैं, तो आप बुद्धि की प्रार्थना आपका करने का मन नहीं करेगा। बोलो क्या करेगा, आपका बुद्धि की प्रार्थना करने का मन नहीं करेगा। तो क्या बोलूं, कोई शब्द नहीं मुंह से आ रहा, तो मैं क्या प्रार्थना करूं। पर अगर आप आत्मा में प्रार्थना करोगे, चाहे तुम 4 घंटे का 6 घंटे बैठकर करते रहो, वो आते ही रहे, तुम जितना चाहे बोलो बोलो। और ऐसा नहीं है तुम बोल रहे हो तो तुम्हारी उन्नति नहीं हो रही, क्योंकि लिखा वो हमें नहीं पता प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, पर लिखा आत्मा भेद की बातें परमेश्वर से करता है। और लिखा फिर पवित्र लोगों के लिए वो सिफारिश भी करता है, कितनों को समझ आ रही। बोलो क्या करता है, पवित्र आत्मा लोगों के लिए बाइबल में लिखा। आप परमेश्वर का वचन झूठा तो है नहीं, क्यों झूठा है, अगर उसमें लिखा है कि पवित्र आत्मा लोगों के लिए सिफारिश करता है। हाँ परमेश्वर इसे ये चाहिए, ये बीमार है, इसके घर में क्लेश है, ये इसका पति ऐसा है, ये इसकी ये प्रॉब्लम है, ये है वो है वो है, ऐसे हाँ इसके ऊपर कर्ज है, इसके पास काम नहीं है कोई, ये बहुत बीमार है परेशान है, तो वो आत्मा लिखा सिफारिश करता है। सिफारिश बोलो क्या करता है, सिफारिश करता है। सिफारिश किसे, परमेश्वर से, क्योंकि वो मददगार, वो बोलता है इसके लिए करो। जब आप वो कब करता है, जब आप आत्मा में प्रार्थना करोगे, और जब आप करोगे तो वो जीवन जो यीशु मसीह स्वर्ग से लेकर आए, ये आत्मिक उन्नति से होगा। बोलो क्या है, करके देखो, क्योंकि सब चीजें प्रैक्टिकल है, जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे आपको नहीं पता चलेगा। बोलो क्या है, करके देखो, करके देखो। बोलो क्या है, करके देखो। जो लोग नए हैं, जब महीने से 2 महीने से 6 महीने से यहां पे आ रहे हैं, पर उन्हें आत्मा की जो मैं ये चीज समझा रहा हूं नॉलेज नहीं, तो वो सीखे, वो समझे। बोलो क्या है, वो सीखे और समझे, क्योंकि लिखा आत्मा हमारी दुर्बलताई में हमारी सहायता करता है। समझ आ रही है, तो वो पवित्र लोगों के लिए सिफारिश करता है, इसके लिए परमेश्वर से करो। इसलिए अगर आप रोमियो 8:12-13 पढ़ो, तो देखो वहां पे क्या लिखा, हम शरीर के कर्जदार नहीं है। बोलो क्या है, हम शरीर के कर्जदार नहीं है कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो लिखा जीवित रहोगे। अब देह की जो क्रिया है, शरीर की क्रिया है, जैसे कई बार शरीर की क्रिया कैसे काम करती है, वो प्रार्थना करने को मन नहीं करता, चर्च आने को मन नहीं करता, कुछ भी खुदा मन की उस चीजों को करने के लिए मन नहीं करता, सेवा करने के लिए कुछ भी नहीं मन करता, ये शरीर की क्रिया है। बोलो क्या, एक शरीर की क्रिया है, शरीर की, कि कुछ भी करने को मन नहीं करता। बोलो क्या, हमेशा आपका स्वभाव चिड़चिड़ा रहेगा, आपके अंदर छोटी छोटी चीज के लिए आपके मन के अंदर गुस्सा आएगा, छोटी छोटी चीजों के लिए आप मन खराब करोगे, जैसे कुछ लोगों की आदत होती ना, छोटी छोटी चीजों के लिए वो मन खराब करेंगे। क्या करेंगे, कहता हम शरीर के कर्जदार नहीं है कि शरीर के अनुसार दिन काटे, पर आत्मा से क्या करें, अपनी देह की क्रियाओं को, जो शरीर की क्रिया है जो अंदर बनती है हमारे अंदर, बोले क्या, मारो उस आत्मा से।
बोलो क्या है? आप कैसे उस शरीर की क्रिया को मारोगे जब आप बैठोगे? बोलो क्या बैठोगे? जब आप बैठोगे, बैठोगे, देखो करके देखो, प्रैक्टिकल चीज, बोलो क्या है? आज से वो करके देखो, ज्यादा से ज्यादा करो। ऐसे बॉलस कहता ना, फर्स्ट ग्रंथियों 14:18 में ऐसे लिखा है, बोलो क्या है? कि मैं तुमसे सबसे ज्यादा, क्रंथियस की कलीसिया को कहता, तुम सबसे ज्यादा मैं अन्य भाषाओं में बातें करता हूं। किससे? ये पॉलिश की ये एक चाहत थी। बोलो क्या थी? वो क्रंथियस के लिए ऐसा कहता हूं, तुम भी करो। बोलो क्या करो? पर मैं तुमसे भी ज्यादा अधिक, क्योंकि लिखा जो अन्य भाषा में बातें करता वो मनुष्यों से नहीं, किससे बातें करता? परमेश्वर से करता, क्योंकि आत्मा भेद की बातें किससे करता? परमेश्वर से करता। कितनों को समझ आ रही है? इसलिए आत्मा खुदा ने हमें क्यों दिया? क्योंकि जो काम आप शरीर में रहकर नहीं कर सकते, बोलो क्या नहीं कर सकते? शरीर में आप रहकर नहीं कर सकते, इसलिए खुदा ने आपको एक मददगार दिया। क्या दिया? एक मददगार, मददगार जो सहायता करता आपकी। बोलो क्या करता है? जो सहायता करता है, सहायता। इसलिए योएल भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर ने पहले ही ये भविष्यवाणी कर दी थी। अगर आप उसकी 2:28-29 पढ़ो, नोट कर लो, तो परमेश्वर का अंत के दिनों पे मैं सब मनुष्यों पर अपना आत्मा उठेल दूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे पुरनिये, बोलो क्या है, तुम्हारे पुरनिये ऐसे स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। अंत के दिनों में सब मनुष्यों पर मैं आत्मा उठेल दूंगा, तो ये अंत के दिन है। बोलो क्या है? इसीलिए यीशु मसीह ने कहा ना कि मैं पिता के पास जाऊंगा, मेरा जाना जरूरी है। अगर मैं जाऊंगा तो सहायक, जो मददगार है, वो मैं भेजूंगा। बोला क्या है? मैं भेजूंगा और वो हमारा मददगार है। और जब आप आत्मा में प्रार्थना करते हो, करके देखो, आपका मन कई चीजों से बड़ा क्या निराश है, आप दुखी हो, आपको समझ नहीं आ रही, तो आप आत्मा में बैठ जाओ, आत्मा में प्रार्थना करनी शुरू करो। री सा दा रा संबो, आत्मा से भरते जाओ। क्या करो? आत्मा से की प्रार्थना में भरते जाओ, क्योंकि ये एक हथियार है। जब आप इफिसियों 6:10-18 तक पढ़ो, नोट कर लो वचन, तो वहां पे प्रेरित पॉल ने इफिसियों की कलीसिया को कहा, बोलो क्या कहा? कि परमेश्वर की पराक्रम उसकी शक्ति में बलवंत बनो और परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। क्या बांध लो? सारे हथियार बांध लो। तो वहां पे हथियारों के बारे बताया, क्या क्या हथियार है। बोलो क्या है? चलो ये उस वचन को भी देखते हैं, क्या क्या हथियार है। तो लिखा था कि तुम्हारा मल शुद्ध, तुम्हारी लड़ाई, लिखा, लहू और मांस से नहीं है, इंसानों से नहीं है, लिखा, उन प्रधानों से, अधिकारियों से, संसार के अधिकार के हाथों, दुष्ट आत्मा की सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कस के, सबसे पहले सत्य जो परमेश्वर चाहता है कि मेरे लोग सत्य को भली भांति जाने। इसलिए उसने कहा, मैंने जगत के मूर्खों को, तुच्छों को, नीचों को चुना, जो कुछ भी नहीं पता उन्हें, मैंने उन्हें चुन लिया। कितनों को समझ आ रही है? कि ज्ञानवानों को क्या करें? लज्जित करें। तो सबसे पहले
अपनी कमर सत्य से, इस सच्चाई से, यीशु मसीह का सत्य को जान कस लो कि आप धर्म में चुने गए हो कि उसकी सच्चाई में चुने गए हो। आपका धर्म बदला कि जीवन बदला है। अगर आपको यह समझ आ गई कि यीशु मसीह धर्म नहीं जीवन बदलता है, यीशु मसीह ईसाइयों का खुदा नहीं, वो अंग्रेजों का नहीं, वो सारी दुनिया का खुदा है, आप दूसरे को भी सिखाओगे, आप दूसरे को भी समझाओगे, क्योंकि आपने समझ लिया, आपको आपके पास ये हथियार आ गया, आपने ये सीख लिया यीशु मसीह कौन है, आप दूसरे को भी बताओगे। समझिए, तो सत्य से अपनी कमर कस लो। फिर लिखा धार्मिकता की झिलम, बोलो क्या धार्मिकता ये जो मिली हमें, एक तो सत्य एक सच्चाई, ये धार्मिकता एक भक्ति जो हम मसीह के नाम से करते हैं, तो इसे झिलम की तरह, ऐसे कपड़े की तरह, जैसे राजे महाराजे झिलम उसे बोलते हैं जो वो पहन कर लड़ने के लिए जाते थे, ताकि जब दूसरा कोई वार करे तो हमारा कोई नुकसान ना हो। तो कहता धार्मिकता के झिलम पहनकर और पांव में मेल की सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, कि आपने कौन सा सुसमाचार सुना है? हाँ, तो मेल की जूती के जो सुसमाचार के जूते पहन लो, तैयार हो जो, और फिर विश्वास की डाल, जो आप विश्वास करते हो किसके नाम से, लिखा उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। फिर लिखा उद्धार का टोप, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, ये भी ले लो। ये सारे आत्मिक हथियार हैं लड़ने के लिए, किससे? शैतान से। फिर 18 में लिखा हर समय और प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, इसलिए जागते रहो और सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करते रहो, ये एक हथियार है। हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करते रहो, करते रहो, उठते बैठते, आप बैठे हो, हाँ आप लेटे हो, आप काम कर रहे हो, कोई धंधा कर रहे हो। आपको पता, जब मैं शुरू शुरू में आया तो मेरी बड़ी चाहत थी, मैं समझ चुका था कि ये पवित्र आत्मा है, ये मददगार है, मेरी सहायता करता है, जिन चीजों में मैं फंसा हुआ ये मुझे बाहर निकालेगा। तो सबसे पहले शैतान ने मेरे ऊपर जो अटैक किया, मेरे बिजनेस पर, मेरे काम पर, जब मैं बड़े नशे करता था तो मैं हजारों लाखों भी कमाता था। आपको पता मेरा रोज का खर्चा 1000 से 1200 रुपए का था, रोज का नशे का। पर मैं जब प्रभु में आया तो शैतान ने क्या कर दिया, रोक लगा दी, क्योंकि वो जानता था कि मैं इसे मात दूंगा। जैसे आज उस भाई साहब की हमने गवाही सुनी नशे की, उससे तो छुटकारा मिला, पर शैतान ने दूसरी तरफ अटैक कर दिया कि उसके पेट में दर्द दे दी, ताकि वो मन खराब करे, क्या करे, मन खराब करे, को पता नहीं सैड ऐसे करके कि हम चर चले गए इसलिए तो नहीं प्रॉब्लम होगी, पथरी दे दी। पर धन्यवाद है उस खुदा का कि परमेश्वर ने उसे फिर से संभाल के रखा। इसी तरह शैतान भी चाहता था जब मैं प्रभु में नया नया आया तो ये वापस आ जाए। मैंने बहुत बार यह गवाही शेयर की, मुझे नहीं पता ये बार बार खुदा क्यों सिखाता है, ताकि आप समझ जाओ और स्थिर रह सको। अगर मैं उस समय स्थिर ना रहता, क्योंकि शैतान मेरे मन में डालता था वापस आ जा, वापस आ जा, क्या आ जा, ये अच्छा है कि वो जीवन अच्छा था, अब तेरी जेब में 10 रुपए नहीं है, याद कर वो समय, याद कर। हाँ, शाम को तू बियर बार में बैठा, चिकन विक्सी, आ मजे की जिंदगी, अब तेरे पास कुछ भी नहीं। पर मैं वचन समझ चुका था, बोलो क्या है, मैंने अपनी कमर सत्य से कस ली थी। कईयों की ढीली होती है, इसलिए वो सोचने लगते हैं, शरीर की बातों पर मन लगा लेते हैं। तो मैंने अपनी कमर कस ली थी सत्य से, और धार्मिकता की झिलम भी पहन ली, मुक्ति का टोप भी मैंने डाल लिया था, उद्धार को भी मैं समझ चुका था, विश्वास की मैंने ढाल भी ले ली थी, और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन था वो भी मेरे पास था।
और उसका आत्मा भी था, जो कहता हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करते रहे। यहां पे एक लड़का है, देव नाम है उसका, ये जब छोटा सा था, छोटा सा था ये जब जी प्रभु में आया, तो मेरा एक काम था, तब ये पढ़ता था स्कूल में, तो मुझे बंदों की जरूरत थी, क्योंकि मेरे सारे लेबर, मेरी सारी चले गई इधर उधर, सब कुछ ने खत्म कर दिया। यही जून जुलाई के महीने में कितनी धूप होती, बाहर का काम था, बड़ी ऊंची बिल्डिंग थी, तो वहां पे मैं काम करता था। मैं सुबह से लेकर 9 बजे जैसे काम स्टार्ट होना, शाम के 5:30-6 बजे तक, जब तक हम काम करते थे, पूरा दिन अपने काम के साथ अन्य भाषा करता था, क्योंकि मेरे मन के अंदर थी ये, मैं समझ चुका था कि आत्मा हमारी सहायता करता है। कितनों को समझ आ रही है? अरे पूरा दिन इतनी धूप में मैं अन्य भाषा करता था अपने काम, पूरा दिन। कितने लोग चाहते हैं बढ़ना? आप चाहते हैं? सब चाहते हैं परमेश्वर मुझे बड़ी कोठियां, बड़ी गाड़ी, एक बेस्ट जीवन, भला चंगा जीवन दे। और ये नहीं है कि आप चाहते और परमेश्वर नहीं चाहता, परमेश्वर भी चाहता कि तुम भला चंगा ब्लेस्ड जीवन जियो, पर वो कैसे होगा? आपकी मेहनत से होगा। बोलो क्या? बैठने से नहीं होगा कुछ, प्रभु की इच्छा को, इसलिए ये परमेश्वर की डिजायर है, जो चाहता है सब मनुष्यों का उद्धार हो और सत्य को भली भांति जाने। तो मैं जान चुका था तो निर्बल, बोलो क्या था तो निर्बल, कमजोर था, जो खुदावन कहता है मैंने जगत के मूर्खों को चुन लिया, कुछ नहीं पता, पर समझ चुका था। बोलो अब लालो साहब, कितने घंटे मैं लगातार स्वाय सिर्फ चाय पानी रोटी के अलावा मेरा मुंह में जरा भी रुकता नहीं था अन्य भाषा में, सारा दिन, क्योंकि मेरे अंदर चाहत थी मैंने आगे जाना, मैंने कुछ करना है, मैंने बढ़ना है। शैतान ने अटैक तो दिया, बोलो क्या दिया? मेरे बिजनेस, मेरे काम पर। उन दिनों में आपने मेरी गवाही सुनी कि जब मेरे पास वो काम था, मेरे पास कोई पैसा नहीं था, और मंडे को वहां पे हफ्ते बाद पैसे मिलते थे, और मैंने मंडे पे, तब मैंने सेवा शुरू करती थी, और मैंने सेवा शुरू की और एक घर में मैंने संगति रख दी, और 6 बजे उसका टाइम था। आपने ये गवाही मैंने बहुत बार शेयर की, अगर मुझे 5:30 बजे तक पैसे मिल जाते थे तो मैं लेता था, नहीं तो इतनी सख्त जरूरत के कारण भी मैं पैसों को छोड़ कर आता था। कई लोग अपने हैं फिर भी अपने काम को, बिजनेस को वो छोड़ना नहीं चाहते, जबकि खुदा का वचन कहता है 6 दिन तुम अपना काम करो, 7वां दिन यहोवा परमेश्वर का विश्राम का दिन है, तुम मानो। इसलिए यीशु मसीह ने कहा यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आँखों को मानोगे। क्या करोगे? यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, क्योंकि आपसे उसने प्रेम किया है। नहीं किया? किया कि नहीं किया? अरे आपकी खातिर उसने 40 कोड़े खाए हैं, आपके तन पे 1 कोड़ा मारे ना तो आपका हाल देखो क्या हो जाता है। आपके हल्की सी सुई भी चुभोई आपके हाथ में, देखो आपकी हाई कैसे होती, उसके हाथों में इतने मोटे मोटे कील क्या होंगे, शेक हो गए थे शेक। और लिखा वो उसने कोई पाप नहीं किया, वो निर्दोष था, पर ये सारा कुछ यीशु मसीह ने हमारी खातर सहा ताकि हम जीवन पाए। इसलिए कहता अपने बुलाए जाने को सोचो ना, तुम बहुत बलवान थे, ज्ञानवान थे, कुलीन थे, नम्र थे, बड़े दीन थे, इसलिए बुला लिया। कहता सोचो क्यों बुला लिया, क्यों उसने चुना, क्यों उसने अपना आत्मा दे दिया, क्यों उसने इतनी दुख तकलीफ सहकर आपको जीवन दिया। मैं यही बस जान चुका था, बोले क्या है, जब मैं जान चुका था, इसलिए मैं अपने बिजनेस की पैसों की परवाह नहीं करता कि मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। अगर मैं नहीं लूंगा पैसे, मैं अगर नहीं लेकर जाऊंगा तो मेरा घर का गुजारा कैसे होगा। बोलो क्या है? अगर मैं पैसे लेकर नहीं जाऊंगा तो मेरे घर का गुजारा कैसे होगा। एक बार ऐसा ही हुआ, जिनका हम काम कर रहे थे वो
मैं चला गया और उसने अपने किसी काम के लिए, बिजनेस के लिए उसने बाहर जाना था और वो 5 दिन तक आया नहीं। बोलो क्या, मैंने कॉल की तो वो कहता मैं तो चला गया हूं, तू रुका नहीं है। बोलो क्या है? समझ आ रही है? तो तुम सोचो कि मुझे सख्त जरूरत थी और मैं, मेरे 5 दिन कैसे गुजरे हैं उस दिन। पर ये सारा कुछ मैंने किसके लिए किया, जिसने मुझे कोड़ों की मार खा के इतनी तकलीफ सहकर जिसने मुझे जीवन दिया था, मैंने उसके लिए किया। आज लोग अपने काम नहीं छोड़ना चाहते, एक दिन छोड़ दो कोई बात नहीं, अपने बच्चों को परिवार को खुदा की हजूरी में लेकर आओ, नहीं तो एक दिन शैतान क्या करेगा। समझ आ रही है? आपके जितने भी परिवार में बच्चे, आज मैंने स्पेशली सबको मैसेज दिया था, कोई रह तो नहीं गया था कि रह गए? पापा ये सिर्फ जिन्होंने फोन ही उठाए या बाद में किए नहीं। तो एक चीज ध्यान रखो, हमने स्पेशली, मैंने क्योंकि सुनो, जब मैं वहां यहां से वीरवार मीटिंग करके गया तो मैं रात को जब प्रेयर कर रहा था तो रात को खुदा ने मुझे कहा कि इस संडे की जो मीटिंग होगी बड़ी पावरफुल जो विषय होगा मेरे लोगों की उन्नति के लिए, तो मेरे लोगों को बता के अपने सब परिवारों को लेकर आओ, कोई भी आज घर में नहीं रहना चाहिए। अगर आप आत्मिक हो, इसलिए शुभ से कहा, अगर यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आंखों को मानोगे, अगर आप रखते हो तो मानोगे, दोनों क्या मानोगे? हम मानोगे। कितने समझते हैं मेरी बात? सुन, सोचो सोचो, मैं छोड़कर जा रहा था, इसलिए जब मैंने ऐसा किया, उन्नति की उस आत्मा से, तो एक दिन ऐसे काम आए जिन कामों से मैंने, बोलो क्या है, एक एक काम से मैंने लाखों रुपये कमाए, लाखों लाखों भाई लाखों, ये देव गवाह है। जब मैंने बहुत लाखों कमाए और मेरे बड़े बड़े काम चल रहे थे मेरी साइड से, अब खुदा ने मुझे कहा चल अब बस कर, छोड़ दे ने। जैसे पतरस जैसे हुआ मेरे साथ, जैसे पूरी रात पतरस क्या करता रहा, हाँ झील में वो जाल डालता रहा, कोई मछली नहीं आई, और यीशु मसीह भोर को आए और इतनी मछलियां आई हैं, यीशु मसीह ने कहा छोड़ दे मछलियों को, मेरे पीछे आ जा। सेम मेरे साथ हो, जब इतने काम आए, इतनी इतनी साइड, वो मेरे ऐसे काम थे, अगर वो सारे काम खत्म होते तो मे भी मुझे 3 महीने के अंदर 8 से 9 लाख रुपया आने वाला, जो मैंने ऐसे छोड़ दिए, सब छोड़ दिए काम, ये देव गवाह है, ऐसे छोड़ दिए मैंने सारे काम, क्योंकि खुदा ने कहा मैंने तुझे जीवन दिया है। बोलो क्या है? मैं सेवा इसलिए नहीं करता कि मुझे पैसे चाहिए थे, अगर पैसों की बात होती ना, अगर मैं कुछ समय और काम करता तो शायद जिस हिसाब से मेरा बिजनेस खुदा ने बढ़ा रहा था, शायद मैं करोड़ों में भी जाता। बोलो क्या जाता? करोड़ों में भी मुझे खुड़ा खड़ता, पर उसने कहा देख मैंने तुम्हें जीवन दिया है, अब तूने मेरी सेवा करनी है। देख याद कर, तू एक दिन नशे में अपनी जिंदगी को खत्म कर रहा था, इसलिए हमेशा याद रखो। बोलो क्या रखो? याद रखो, याद रखो, छोड़ दो एक दिन कोई बात नहीं, काम है, इतना लालच मत करो। इसलिए लिखा है कि तुम लालच अभी भी करते हो तो लालच बाइबल में लिखा है कि मूर्ति पूजा के बराबर है, तो मूर्ति पूजा किसकी पूजा है? शैतान की पूजा। तुम समझो परमेश्वर के सत्य को, क्यों उसने कहा मेरी चाहत है कि जो जगत के मूर्ख तुच्छ लोग हैं मेरे सत्य को जाने, तो अपने जानना। मैंने कुछ लोगों को चाहत को देखा, उनके विश्वास को देखा। बोलो क्या देखा? उन्होंने अपने काम धंधे छोड़ दिए। क्या छोड़ दिए? मैंने कुछ लोगों की चाहत को देखा, सेम उन्होंने मेरी तरह किया, संडे छुट्टी नहीं मिली, छोड़ दो काम, छोड़ दो काम। यहां पे बैठे हैं कुछ लोग, अगर मैं खड़ा करूं तो आपको समझ आएगी उन्होंने ऐसे किया। हाँ वहां पे काम नहीं है, संडे नहीं है, जवाब दे दो, ये भी छोड़ दो, वो भी छोड़ दो। खुदा मन याद रखने वाला है, वो भूलने वाला परमेश्वर नहीं।
तुम कुछ भी उसके लिए कर रहे हो, मैंने कहा वो भूलेगा नहीं, वो याद रखेगा, याद। तो बोलो क्या है? वो याद रखने वाला परमेश्वर। अगर मान लो चलो संडे ने छुट्टी मिलती, आप वीरवार आ जाओ, चलो वीरवार नहीं मिलती छुट्टी, आप मंडे आ जाओ, परमेश्वर ने आपकी उन्नति के लिए सब कुछ रखा है सीखने के लिए, बस आप तैयार हो जाओ, क्योंकि वचन कहता है समय असमय तैयार रहो। क्या रहो? समय असमय तैयार रहो। तो आपने तैयार रहना है, इसलिए खुदा ने आपको आत्मा दिया है। जब आप आत्मा में उन चीजों से करोगे तो आप देह की क्रियाओं को मारोगे, लेकिन हम शरीर के अब कर्जदार नहीं है कि शरीर के अनुसार ही दिन काटना है। हाँ, शरीर करता है आज थक गए सो, चल सो। तो शरीर की नहीं, किसकी इच्छा को मानना है, किसकी बात को, किसके वचन को मानना है। कितनों को समझ आ रही है? करके देखो। बोलो क्या? मैंने कहा करके देखो, करके देखो, करके, करने से होता है। मैंने कहा करके देखो, करके। तैयार हो आज से करने के लिए? तैयार हो? कितने लोग तैयार हैं? इसलिए कहता यदि तुम उसे प्रेम करते हो तो मेरी आंखियों को मानोगे, फिर मैं सहायक जो पवित्र आत्मा है मैं भेजूंगा, मैं पिता से विनती करूंगा, वो तुम्हारे साथ रहेगा, फिर तुम भी वैसे ही करोगे, तुम भी लगे रहोगे, घंटों लगे रहोगे और ईसाना बाबा अपने काम धंधा करते आते जाते करते रहो। करके देखो, मैंने कहा करके देखो, अच्छे मन से तैयार हो करने के लिए। कितने लोग तैयार हैं आज? कितने लोग तैयार हैं? क्योंकि परमेश्वर भी तैयार है। मैंने कहा परमेश्वर भी तैयार है।